नमस्कार, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ मियाँ नसीरुद्दीन, जो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम इसकी समरी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पाठ में जो मियाँ नसीरुद्दीन का चरित्र है, उसे खानदानी नानबाई के नाम से पुकारा गया है। नानबाई जो होता है वह रोटी बनाने वाले को बोलते थे, रोटियाँ सेकने वाला जो होता है उसे नानबाई बोलते हैं। और ख़ानदानी इसलिए कहा है क्योंकि नसीरुद्दीन जो थे वो उनकी अनेक पीढ़ियां जो थी वो रोटियां सेकने का काम करती चली आ रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी में नई पीढ़ी की सुविख्यात लेखिका जो हैं कृष्णा सोबती के हम हस्मत गद्य ग्रंथ से यह संकलन लिया गया है, जिसका नाम है मियाँ नसीरुद्दीन। यह एक सजीव और रोचक रेखाचित्र है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़ी रोचकता से और साफ सुथरे तरीके से उभारा है। संयोगवश एक दिन लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गढ़िया मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सा आटा संते देखकर उसका मन हुआ कि वह जाने कि क्या किया जा रहा है। उसे पता चला कि 56 किस्म की रोटियों के उस्ताद मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। मियाँ अंदर ही बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई की चमक दिखाई दे रही थी। लेखिका ने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहां से सीखा। अपने बेपरवाह खास अंदाज में उन्होंने लेखिका को बताया कि नानबाई का काम उनके घर में कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। उनके वालिद यानी पिताजी मियाँ बरकत शाही गढ़िया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहेब मियाँ कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियाँ नसीरुद्दीन ने खानदानी शान का एहसान कराते हुए बताया कि यह रोटी बनाने का खास हुनर उन्हें अपने वालिद साहेब की खिदमत में रहकर सीखा था। मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को फिर से बताया कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ते हैं, अलिफ यानी यहाँ पर उर्दू की जो वारे खड़ी है उसे अलिफ कहते हैं, या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए छोटे छोटे काम पहले खुद को करने पड़ते हैं। छोटे काम फिर हम बड़े कामों की तरफ चलते हैं, जिससे हमें बड़े काम आ जाते हैं। मियाँ ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आँच देने, बर्तन धोने तक के छोटे छोटे काम हाथों से करके रोटी बनाने का इल्म सीखा था। इल्म यानी जो काम है ये सीखा था। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं बैठे थे। दुकानदारी और गाहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने काफ़ी समय तक खोमचा भी लगाया था। खानदान की बात आते ही मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की एक चमक आ जाती है और उनकी छाती गर्व से फूल उठती है। मियाँ खानदान की बात किसी भी सूरत में नीचा नहीं होने देते। उन्होंने गर्व से लेखिका को बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नानबाई रहे हैं। बादशाह सलामत के कहने पर बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाकर दिखाई थी जो ना आग में पकती थी ना उसमें पानी लगता है। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस खास चीज़ का नाम मियाँ नसीरुद्दीन सभी को बताना जरूरी नहीं समझते, शायद उन्हें खुद भी नहीं पता हो, लेकिन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वह अपने खानदान पर घटती हुई एक कहावत हमेशा कहा करते हैं, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्मों को जानने की इच्छा बताई। इस पर वह अजीब सी खिज अपने चेहरे पर लेकर आए और तुनक कर उन्होंने चंद रोटियों के नाम फटाफट गिना डाले। तुनकी रोटी की तारीफ में उन्होंने कहा कि वह पापड़ से भी महीन होती है, लेकिन कहते कहते वे पिछले जमानों की यादों में डूब गए। उनका दर्द सच्चा था। पहले के समान खाने पकाने का ना अब शौक है और ना ही चीज़ों की कद्र है।
आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। इस तरह से जो है इसकी मैं कुछ विशेषताएं आपको बता रही हूँ पाठ के बारे में। यहाँ पर रोटी बनाने वाले बेचने वाले को नान भाई कहा जाता है। मियाँ नसीरुद्दीन के पिता और दादा भी प्रसिद्ध नान भाई थे और वो भी रोटी बनाने का काम करते रहते थे। हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के, ये शब्द यहाँ पर इस पाठ में यूज हुआ है, जिसका आशय है दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में हजारों हजार प्रतिभाशाली लोग रोज अपनी चकाचौंध दिखाकर चहल पहल मचाए रखते थे। नसीरुद्दीन को मसीहा इसलिए कहा है क्योंकि वह रोटी पकाने की कला में बहुत कुशल था और उसका बात करने का तरीका भी कुशल कारीगरों जैसा था। नसीरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद क्षेत्र में मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले में थी। यद्यपि वह प्रसिद्ध नानबाई था परंतु उसकी दुकान बहुत ही साधारण, छोटी और अंधेरी सी थी। पंच हजारी अंदाज शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है, बड़े सेनापतियों जैसा अंदाज, यानी बड़े सेनापति जिस तरह से रहते हैं। मुगलों के ज़माने में 5,000 की सेना के अधिकारी को पंच हजारी कहते थे। उसकी चाल ढाल और बोलचाल में अकड़ होती थी और आत्मविश्वास होता था। उसी तरह से मियाँ नसीरुद्दीन भी बात करते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन अखबार छापने वालों को ही नहीं, अखबार पढ़ने वालों को भी निठल्ला मानते हैं। उनकी नज़रों में अखबार पढ़ना और छापना व्यर्थ की सिर खपाई है, इससे लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। नसीरुद्दीन के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है उनका आत्मविश्वास से भरा लापरवाही पूर्ण अंदाज, और वह अपने आप को मंझा हुआ कलाकार समझते हैं। नानबाई के अतिरिक्त